हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे थर्मोस्टेट वाल्व की, कि इंजन में थर्मोस्टेट वाल्व का काम क्या होता है और वो काम कैसे करती है, उसके ख़राब होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जो इंजन में जो थर्मोस्टेट वाल्व होती है, जो हमारा जो इंजन है, इंजन से जो कूलेंट, गर्म कूलेंट का जो होज रेडिएटर के लिए आता है, उसके स्टार्टिंग में जो है, यहाँ पर जहाँ आप मेरा हाथ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा थर्मोस्टेट वाल्व होती है। थर्मोस्टेट वाल्व का काम होता है कि जब हमारा कूलेंट जो इंजन में सर्कुलेट होता रहता है, जब उसका टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री के बीच में होता है, लगभग 82 डिग्री के आसपास थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होता है और वो गर्म कूलेंट के लिए एक पैसेज ओपन करता है, जिससे कि कूलेंट हमारा रेडिएटर में आता है और रेडिएटर से ठंडा होकर दोबारा से फिर हमारा इंजन में जाता है और ये सर्कुलेशन बना रहता है जब तक कि हमारा इंजन रनिंग कंडीशन में होता है। अब बात करते हैं कि थर्मोस्टेट वाल्व में प्रॉब्लम क्या क्या होती है। थर्मोस्टेट वाल्व में दो प्रॉब्लम हो सकती है, एक तो थर्मोस्टेट वाल्व हमारा ओपन कंडीशन में स्टक हो जाएगा, दूसरा हमारा थर्मोस्टेट वाल्व क्लोज कंडीशन में स्टक हो जाएगा। अगर क्लोज कंडीशन में थर्मोस्टेट वाल्व स्टक हो जाता है तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा जो कूलेंट है, गर्म कूलेंट, वो इंजन में ही सर्कुलेशन करता रहेगा, वो इंजन से बाहर नहीं आएगा और वो ठंडा नहीं हो पाएगा, जिससे कि क्या है कि प्रेशर बढ़ने की वजह से जो हमारा जो रेडिएटर से जो लोअर होज इंजन के लिए गया है कूलेंट का, वो प्रेशर बढ़ने के कारण वो भी फट सकता है। दूसरा क्या है कि हमारा जो हेड गैस्किट है, इंजन का जो हेड गैस्किट है, वो भी डैमेज हो सकता है और इंजन ओवरहीट हो जाएगा। दूसरा, अगर हमारा जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो ओपन कंडीशन में स्टक हो गया तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी। अगर ओपन कंडीशन में स्टक हो जाता है तो फिर क्या होगा कि हमारा जो कूलेंट का जो सर्कुलेशन है वो कंटिन्यू बना रहेगा, हमारा जो कूलेंट है वो इंजन में नहीं रुकेगा और इंजन को वो ठंडा ही करता रहेगा, इंजन का टेम्परेचर ही नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो इंजन की परफॉर्मेंस घट जाएगी और हमारा माइलेज भी घटेगा, क्योंकि इंजन को ऑपरेट होने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और अगर वो टेम्परेचर ही मेंटेन नहीं हो पाएगा तो हमारे जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी। तो थर्मोस्टेट वाल्व खराब होने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।